मूवी रिव्यू के इस खास सेशन में मैं पंकज देवल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 370 की। फिल्म की लेंथ की बात करें तो फिल्म 2 घंटे 40 मिनट लंबी है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें यामी गौतम, प्रिया मणि, अरुण गोविल, वैभव तत्वादी और किरण कर्माकर जैसे कलाकार को इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी पर आते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 हटाने के पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी, इतने बड़े फैसले के पीछे कौन कौन लोग थे, उस वक्त का घटनाक्रम क्या था, फिल्म की कहानी बस इसी के चारों ओर घूमती रहती है। कश्मीर में हालात खराब हो रहे थे, ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि वहां खून भी ना गिरे और इस काले प्रावधान को हटा दिया जाए। इसकी पहली आधारशिला तब रखी गई जब 2016 में आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ। बुरहान का एनकाउंटर करने वाली ऑफिसर जूनी हक्सर यानी यामी गौतम को अनुशासन भंग करने का आरोप लगाकर कश्मीर से हटाकर दिल्ली भेजा जाता है। इसके बाद पीएमओ के एक अधिकारी राजेश्वरी स्वामीनाथन यानी प्रिया मणि के कहने पर जूनी को एनआईए का एजेंट बनाकर दोबारा कश्मीर भेजा जाता है। जूनी को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो वहां के राजनेताओं और अलगाववादियों से निपटकर हालात नॉर्मल करे। इधर दिल्ली में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए हर नियम और कानूनी दाव पेच लगाए जाते हैं। अब इस फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग की बात करते हैं तो कभी कभी लगता है कि यामी गौतम ऐसी फिल्मों के लिए ही बनी है। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से उन्होंने शानदार काम किया है। यामी ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है। पीएमओ में सेक्रेटरी बनी प्रिया मणि ने संजीदगी से अपना रोल निभाया है। उन्हें जैसा रोल दिया गया वो उसमें बेहद सटीक बैठती हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जो रोल निभा रहे हैं एक्टर किरण कर्माकर, उन्हें इस फिल्म के लिए सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर रखा गया है। उन्होंने अमित शाह के बॉडी लैंग्वेज को बखूबी पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका में अरुण गोविल थोड़े हल्के लगे हैं। आर्मी ऑफिसर के रोल में वैभव तत्वादी ने लोगों को प्रभावित किया है। अब फिल्म के डायरेक्शन की बात करते हैं तो आदित्य सुहान जाम्भले फिल्म के डायरेक्टर हैं। डायरेक्शन में काफ़ी सारी खामियां हैं। यह फिल्म डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लगती है। वैसे तो फिल्म की लेंथ 2 घंटे 40 मिनट है, फिर भी ऐसा लगता है कि तथ्यों को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की है। हालांकि कई जगह डायरेक्टर इंटरेस्ट बनाने में कामयाब भी हुए हैं। अब फिल्म के म्यूजिक के ऊपर आ जाते हैं तो फिल्म में गाने के रूप में एक ही गाना है जो बैकग्राउंड में बजता रहता है, वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है कि जिसकी हम यहाँ चर्चा करें। फिल्म देखने के बाद इसका म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर याद भी नहीं रहता कि क्या था उसका। फाइनल वर्डिक्ट आपको बताएंगे कि फिल्म देखें या ना देखें। तो अगर आपको पता नहीं कि आर्टिकल 370 हटाने के पीछे क्या स्ट्रेटजी थी तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आप भैया फिल्म देख सकते हैं। हालांकि तथ्यों को बहुत सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है जो कि खटक सा भी लगता है। इतने बड़े मुद्दे को इतने हल्के अंदाज में अपना दिखाया गया है। हालांकि इसके बावजूद फिल्म वन टाइम वॉच करना जरूरी है। फिल्म में एनआईए की एजेंट बनी यामी गौतम की वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से और फिल्म की स्क्रिप्ट की वजह से हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 3 स्टार। आप सबकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, अपनी रेटिंग भैया जरूर दे दें कमेंट बॉक्स में। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, ऐसे ही फिल्मों का एंजॉय करते रहें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।